20,000 रुपए सैलरी है, गांव में पोस्टिंग है, गांव का नाम फुलेरा है। अभी यही एज है, मौका मिला है कर ले एडवेंचर। कोरोना वायरस और COVID-19 महामारी का पूरे विश्व पर असर पड़ा है। मैं ये जानना चाहूंगा कि निजी तौर पर आप लोगों की जिंदगियों में और आपके हिसाब से पंचायत वेब सीरीज पर इसका किस तरह का असर रहा है। जी वक्त तो मुश्किल है अपने अंदर झांकने का, ये जो मौका मिला है तो हम घर का काम भी कर रहे हैं, उसमें भी बड़ा मजा आ रहा है, खाना भी पका रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, कुछ म्यूजिक भी कर लेते हैं, क्यों म्यूजिक एक कमजोरी है तो म्यूजिक का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ किताबें पढ़ ले रहे हैं, कुछ लिख ले रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वक्त कब निकल रहा है पता नहीं लग रहा है। देखिए पंचायत का तो इस पे असर ये हुआ कि पंचायत को फायदा हुआ, क्यों सब लोग घर में बैठे हुए थे तो उनको सामने मिल गया पंचायत देखने के लिए, तो बस देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं और बड़ी बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। पंचायत सीरीज के ऊपर तो बहुत ही अच्छा असर रहा है, क्योंकि लोगों के पास वक्त है आराम से देखने का और जल्दी नहीं है, जो भाग दौड़ है वो नहीं है जीवन की, इसलिए इत्मीनान से जैसे रघु ने कहा आराम से। मुझे तो लगता है कि ये बड़ा अच्छा समय रिलीज हुआ, पंचायत का जो रिलीज हुआ बहुत अच्छी समय पे हुआ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बड़ी गिल्टी हूँ क्योंकि मैं बहुत ही सुंदर जगह हूँ, बाई चांस मैं मुक्तेश्वर में अपने घर में हूँ, पहाड़ के घर में, जहाँ मैं 5-6 दिन के लिए आई थी और फिर लॉकडाउन हो गया, तो अभी 45 दिन हो गए। आई थिंक काफी डिफिकल्ट टाइम है मतलब पूरे प्लेनेट के लिए एंड मतलब ह्यूमैनिटी को तो लाइक सोचने के लिए टाइम मिला है कि कैसे बहुत सारी चीजों पे हम लोग सोच सकते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में सोच सकते हैं या कैसे चीजें ठीक कर सकते हैं जो हमने काफी पास में खराब किए हैं, और कि आगे एटलीस्ट हम अपने अपने लाइक जितना अपन खुद इस प्लेनेट के लिए कर पाए अपने हिसाब से वो करें। एंड हाँ लाइक पंचायत के लिए बहुत अच्छी टाइमिंग रही है क्योंकि जिस तरह का शो है, जिस स्पेस का शो है और जिस स्पेस पे हमारी लाइफ चल रही थी, मुझे लग रहा था कि कहीं शायद मिस आउट ना हो जाए। मिस आउट तो नहीं होता, मुझे लगता है कि लोग देखते बट आराम से देखते, कि या तो एक एपिसोड देख लिया फिर एक एपिसोड 5 दिन बाद देख लिया। टाइमिंग की वजह से ये रहा कि लोग घर में हैं और सबने बिंज वॉच किया है और तो उसी में टाइम निकल जा रहा है। ऐसा मैंने शुरू में सोचा था कि अपनी हॉबीज कुछ फॉलो करूंगा लाइक पोएट्री लिखूंगा या स्केचिंग करूंगा, तो उसका टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, पूरे टाइम इसी में निकल जाता है, लंच खाना पीना झाड़ू पोछा। कमताई में जीना एक सीखा है इसकी वजह से, जैसे मेरा शैम्पू खत्म हो गया, मेरा जो है यहाँ नहीं मिलता, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना शैम्पू पहले लगाती थी उससे कम लगा रही हूँ कि ये लंबा चले। जीवन बदल गया है, मैं और मेरे हस्बैंड ने एक चीज बनाते हैं लंच में और डिनर में, ऐसा नहीं तामझाम। मैंने कुकिंग सीख ली लाइफ में पहली बार यूट्यूब के थ्रू, ठीक है झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के अलावा यार एक पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया है। मतलब मेरा हाउस हेल्प जब वापस आएगा तो शायद मैं उसकी आरती उतारूंगा, उसके लिए एक सम्मान एक रिस्पेक्ट उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अभी पड़ा है ना अपने पे तो अब समझ में आ रहा है कि 23 मार्च से लेकर लॉकडाउन शुरू है, उसके बाद से कंटिन्यूअसली क्लैम्प डाउन रहा है अलग अलग किस्म का, तो क्या ये एक फियर था जब आप इसको लॉन्च कर रहे थे कि हम लोग इसको प्रमोट नहीं कर पाए पूरी तरह से, तो क्या ये ऑडियंस पहुंचेगी ये वेब सीरीज प्रॉपरली या नहीं, क्या ये फियर था आपके माइंड में? हाँ मतलब देखो डेफिनेटली कुछ चीजें मिस हुई, ठीक है प्रीमियर्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो होती अगर ये नहीं होता तो। हाउएवर मैं एक छोटा सा वो था कि हम लोग का होप ये था कि यार डिजिटल पे प्लेटफॉर्म पे ये जा रहा है तो सारे प्रमोशन हम डिजिटल पे ही करते हैं, तो वी इम्प्रोवाइज्ड इन दैट रिस्पेक्ट। सीजन 2 प्लान्ड है या नहीं है? चंदन डेफिनेटली यार सीजन 2 की बातें शुरू हो गई हैं, ठीक है प्लेटफॉर्म की तरफ से भी और क्या बोलते हैं TVF ऑफिस की तरफ से भी। फॉर्मल गो अहेड एक बार आ जाएगा उसके बाद प्रॉपर राइटिंग शुरू होगी, बट हाँ मतलब कुछ कुछ थॉट्स हैं, मतलब अगर कुछ थॉट्स आ जा रहे हैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, कुछ थॉट्स आ जा रहे हैं तो नोट डाउन करके रख लेता हूँ, उसके अलावा दो चार और मतलब playing with ideas कि मतलब किस direction में ले जा सकते हैं। political issues को कहीं आप touch करते हुए क्या हम देखेंगे उसको, या फिर वो एक situational story जैसे कि ये किरदारों की एक कहानी, it's a circumstantial story, वैसे ही रहेगी? इस season में भी कहीं भी social या political overtone कहीं नहीं था ज्यादा, ठीक है मतलब it was always through the मतलब characters की कहानी चल रही है, उन कहानियों के थ्रू अगर कुछ आ जाए तो आ जाए,
इंटरटेनमेंट और मतलब लोगों को एंटरटेन करना मकसद था, सोशल मैसेजिंग है वो अंदर छुपा रहेगा, कहीं से डिलीवर होगा निकल जाए। पंचायत हमेशा से यार बहुत रियलिस्टिक लेवल पे लिखा गया, ठीक है, तो अगर एक कहानी है, एक एपिसोड है जिसमें रियलिस्टिकली कोई हम टोनालिटी, एक अंडरटोन डाल सकते हैं उस सिचुएशन में, तो यस इट विल बी देयर, लेकिन हम फोर्स नहीं करेंगे। ये मंजू देवी हमारी प्रधान और ब्रजभूषण जी हैं प्रधानपति। अच्छा रघुवीर जी और नीना जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आप लोगों ने जितना फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जैसे देखा है, आज जहां एक वेब सीरीज में आप लोग काम कर रहे हैं, ये जो इतना बड़ा चेंज है, एक इस चेंज को आप लोग कैसे मापते हैं? आप बोल रहे हैं, मैं बोलूं बताइए आप बोलिए, बड़े पर्दे पे आती है। अच्छा ठीक है, अब तू कह रहा है तो मैं बोल देती हूँ। हाँ बोल दीजिए, उसके बाद मैं बोल दूंगा जो बचेगा। अपनी बेटी क्यों नहीं ब्याह देते उनसे? अरे नहीं, उनका तनख्वाह बहुत कम है। एक तो सबसे पहले तो सवाल का जवाब नहीं दूंगी, एक सवाल है मेरा, वो भी करना चाहती हूँ। okay. एक बड़ी शिकायत आती है मुझे बहुत सारे लोगों से, और उन्होंने ये कहा है कि मेरा रोल बहुत कम था सीरीज में, तो वो चाहते हैं कि मेरा ज्यादा होना चाहिए था। क्वेश्चन भूल गई, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, तो ये जो चेंज है, चेंज, यस, कई बार बड़ा मुझे दुख होता है, सुख भी है दुख भी है, कि काश ये चेंज थोड़ा पहले आया होता, जब हम थोड़े और जवान थे तो और अच्छे काम कर, और अच्छा काम कर सकते थे। और ये ना ऐसा भी चेंज है जिसमें एक तो नए नए सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं लोग, आई एम इम्प्रेस्ड बाय द यंगर जनरेशन, और रियलिस्टिक काम हो रहा है वेब सीरीज में। फिल्मों में पहले ओवर द टॉप काम होता था, और नए नए टॉपिक्स उठ रहे हैं, ये बहुत ही मुझे इम्प्रेस किया इस बात ने। क्या है कि बहुत दिनों से इंडस्ट्री को डूब के काम करने की आदत निकल गई थी, बस सतही तौर पे चार फिल्में देख ली और 10 देख ली, उसको निकाल के फिर एक कहानी बना ली और इस तरह कहीं उसका रीमेक और इसका ये सब चल रहा था। तो ये बहुत ही ज्यादा मेरे लिए तो खास तौर पे, क्योंकि हम बहुत थिएटर वेटर करते रहे, तो हम इस तरह की नकल वकल के चक्कर में हम कभी रहे नहीं, तो बड़ा तकलीफ दे भी रहा है। यहाँ पंचायत से ये लगा, पंचायत और थोड़ा और पहले एक दो साल से भी कुछ इस तरह से काम में फर्क आया है कि लोग सिंसियरली करने लग गए हैं। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि हमारा हिंदुस्तान जो है ना, कस्बों में और गांव में ही बसता है, तो वहां को अगर बहुत रियल तरीके से जिस तरह से पंचायत में किया गया है, अगर हम यहाँ आए तो हजारों लाखों कहानियां पड़ी हुई हैं, हमारी इतने गांव हैं, सब जगह सबकी अपनी अपनी कहानी है, अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, अपने अपने जज्बात हैं। मुझे ये लगता है कि ये बड़ा अच्छा दौर है, और ये पंचायत ने तो कम से कम आंखें तो खोल दी सब। मैं तकरीबन 40-45 साल से इस फील्ड में हूँ, तो हमेशा से मेरी फितरत यही रही और मेरी मंशा यही रही, मेरी नीयत यही रही कि मैं इसी तरह का काम करने के लिए जाना जाऊं, और मैं चाहता रहा कि ऐसी, और ये इत्तेफाक से पंचायत मिल गया। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि सोचता हूँ या देखता हूँ, मैंने कहा कि बस शुरू हो जाइए। पंचायत से एक बड़ा अच्छा लगा, जो मैं चाह रहा था हमेशा, तमाम उम्र मैंने यही चाहा कि बस इस तरह से डूब के काम होता रहे, तो देखिए हमारे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री और हमारे काम करने का तरीके में कितना फर्क आ जाएगा। तो ये मैंने महसूस किया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ये पंचायत की, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का काम होता रहे। तो आप लोग इस टेक्निक और इस प्रोसेस में भी बहुत अंतर देखते होंगे, जैसे पहले काम हुआ करता था और अब जैसे हो रहा है उसमें? जितना आसान तरीके से, सहज तरीके से अगर बात को कह दें, उसका असर ज्यादा पड़ता है। जाके देखिए रूरल इंडिया, द रियल इंडिया। एक सवाल जितेंद्र से पूछना है, और यहाँ आप सेट पे दो इतने बड़े बड़े नामों के बीच थे, और उनके बीच आपका एक किरदार भी था, तो ये अनुभव कैसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मैं तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ दोनों का, रघुवीर सर और नीना मैम का। तो हाँ, मतलब मैं सेट पे थोड़ा चुपी रहता था, मैं सुनता ही था। रघुवीर सर की बहुत सारी कहानियां होती थी, पेड़ के नीचे वो बैठ जाया करते थे, और बहुत गर्म कंडीशन में हमने शूट किया, लाइक 43-47 डिग्रीज टेम्परेचर हुआ करता था रोज। पेड़ के नीचे जाओ तो बहुत ठंडक होती थी, और वहां रघुवीर सर जाके बैठ जाते, तो ये सारी चीजें, फिर वहां बैठ के रघुवीर सर की कहानियां, नीना मैम की अलग अलग कहानियां, तो ये सारी चीजें मैं सिर्फ सुनता ही था।
चुप ही रहता था मोस्टली, क्योंकि मतलब बहुत लेजेंड एक्टर्स हैं और बहुत ज्यादा काम किया है उनका और मैं फैन रहा हूँ, तो ज्यादा मैं झिझकता भी था और कुछ कुछ हाँ मतलब सुनने में ज्यादा बिलीव करता हूँ मैं जनरली, तो बहुत सारी बातें सुनता था, बहुत सारी कहानियां। नीना मैम के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला शुभ मंगल ज्यादा सावधान, तो उसके बाद हम लोग गए, तो वहां उनसे ठीक ठाक बातें हुई, अच्छी दोस्ती हुई और वहाँ लाइक हम लोगों ने काफी बातें शेयर की अपनी भी और उन्होंने भी अपनी बातें शेयर की। हाँ लेकिन जब पंचायत का लास्ट डे था रघु सर का, तो मैं उनके पास गया, उनके साथ मैंने जितनी भी मेरे अंदर की जितनी भी बातें थी वो मैंने सारी बातें की कि कौन कौन सी फिल्म्स मुझे पसंद है उनकी, मैंने कौन कौन सी पुरानी रमन राघव देखी हुई है और वो सब मैंने सब जितना भी मेरा फैंडम है वो मैंने उनके सामने रखा। स्टारस्ट्रक तुम बोल सकते हो, मतलब बचपन से देखा है दोनों को टीवी पे और फिल्मों में। और आपने लास्ट डे चूज किया टू टेल रघुवीर जी एवरीथिंग दैट यू वांटेड, हिम्मत जुटाई मैंने। एक कॉन्वर्सेशन कभी कभी हो जाती थी मेरे लेवल पे कि जितना मैं बोल पाता हूँ किसी भी एक नए ग्रुप में या किसी भी एक नए इंसान के साथ मैं जितना भी खुलता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज है जो किसी को जो छू गई है, ऐसी क्या बात है पंचायत के बारे में? सहजता, जो एक रियलिज्म जो रघु सर भी बोल रहे हैं, जो एक रियलिज्म है ना पंचायत का, बहुत सहज तरीके से। ट्रू ट्रू, हाँ सर आप बताइए। जी जी जी, मैंने बस वही कहा कि जो सहज तरीके से जो बात को कहने का जो अंदाज था, तो उसमें सहज में जो बारीकियां बड़े बड़ी खूबसूरती से निकल के आई जी। और एक और खूबसूरत बात है इसमें कि इसमें कोई भी कैरेक्टर विलेन नहीं लगता, कोई बुरा नहीं लगता, कोई कैरेक्टर से आपको चिढ़ नहीं होती, सारे कैरेक्टर बड़े मजेदार हैं, सबसे मोहब्बत हो जाती है। इतने सारे कैरेक्टरों से अगर मोहब्बत करने लग जाए ऑडियंस, तो फिर दूसरा बिगाड़ का कोई मतलब ही नहीं होता। हम लोग ने कहीं भी ऐसा नहीं दिया कि अब धीरे धीरे कहानी बढ़ेगी और अब कुछ स्पेशल होगा विद द कैरेक्टर्स आल्सो। कैरेक्टर्स भी ऐसा कुछ अमेजिंग नहीं करते, एक लड़का गाँव में आके कुछ एक नया नहीं कर देता या गाँव के जो कैरेक्टर्स है वो कुछ अलग नहीं कर देते, बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है और वही होती रहती है। लाइक हर कहानी को कहने के लिए कई बार कोई वजह लोग ढूंढते हैं, ऐसा ट्विस्ट हो या इसमें ऐसा कोई प्लॉट हो जिसको मतलब बस जिसकी एक लाइन सुने तो सभी लोग उसको सुनना चाहेंगे, इसमें ये कोई भी चीज नहीं है। तो क्या ये एक किसी किस्म का एक भय था मन में कि क्या लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? तो क्योंकि मालगुड़ी डेज आज तक हम क्यों याद करते, हम आज तक क्यों पोटली वाले बाबा की याद करते हैं जो दूरदर्शन पे सुबह 10 बजे जो सीरियल्स आते थे, हम आज तक याद करते हैं क्यों? यही एक्सपेक्टर, इसकी सिंप्लिसिटी ही इसका एक्सपेक्टर। तो डाउट कभी कदार आए तो आए, बट हम चलते रहे। हाँ, डाउट आया था शुरू में, जरूर आया था, ऐसा नहीं कहेंगे डाउट नहीं आया था। एक दो डिस्कशन हम लोग का इंटरनल भी हुआ कि पता नहीं यार कितना लोग देखना चाहेंगे। एक बार जब ये सब डिस्कशन हुआ, हमने सारी चीजें वे कर ली कि भाई ऐसा ऐसा है, तो ये तो श्योर हो गए कि मतलब उतना भी बिजार कुछ नहीं है। तो अगर सही रहा तो इट विल लैंड प्रॉपर्ली। मैं क्या करती हूँ, कोई मुझे कहानी सुना रहा है ना, कोई मुझे स्क्रिप्ट नरेट कर रहा है और अच्छी लग रही है, तो मैं उसके लॉजिक्स में नहीं जाती कि चलेगी नहीं चलेगी, ये तो कहानी नहीं। अगर मेरे को कोई सुना रहा है और मेरे को उसमें इंटरेस्ट सुनने का आ रहा है तो सही है, तो यही सोच पकड़ के मैं चलती हूँ। लॉजिक मेरे पास कोई नहीं, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना पसंद करेंगे, और ऐसे लोग पसंद कर रहे हैं जो बहुत शहरी है, जो बहुत फॉरेन है, यू नो दोस काइंड ऑफ पीपल, जो इस तरह की चीजें कम देखते हैं या नहीं देखते, उनको पसंद आया। मुझे तो बहुत ड्रामा लगा इसमें, इसकी फजा में ड्रामा है, इसकी जुबान में जो ड्रामा है, तो मुझे तो जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और जब मुझे सुनाई गई और जब हम वहाँ वर्कशॉप में पढ़ते थे, तभी मुझे बहुत सारा इसमें आसार नजर आए थे कि ये तो बहुत ही हिट वाला मामला है कुछ, और बहुत बेहतरीन काम होने वाला है, मुझे तो उसी वक्त लग गया। तो ये अलग अलग यू नो जो जॉनर्स हैं सारे जिसको आप टच करते हैं, उसको आप किस तरह से अप्रोच करते हैं और ये कैसी एक्सपर्टीज है टीवीएफ के अंदर के दीपक जिनको मैंने कई बार एक्ट करते देखा है वो सडनली डायरेक्शन करते हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं जो कई बार पर्दे पे आते हैं और फिर पर्दे के पीछे चले जाते हैं,
तो ये टीवीएफ किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स को चुनते हैं? यार पूरा प्रोसेस है जुगल हमारा, ठीक है। आई थिंक कि जब स्टार्ट करते हैं कुछ भी तो इंटेंशन ये होता है कि ऑडियंस को कुछ नया देना है, टॉपिक वही हम लोग उठाते हैं जिसमें इंटरेस्टेड हो एक्चुअली बनाने में। अब कोटा फैक्ट्री है तो कोटा फैक्ट्री मतलब यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स है टीवीएफ में, सबने तैयारी करी, ठीक है, बहुत सारे आईआईटी के भी लड़के हैं, तो अब इतना मतलब उस वर्ल्ड का इतना अंदर तक का एक्सपीरियंस है कि मतलब हमसे बेटर कौन होगा बनाने के लिए। सुबह उठो, दिन भर काम करो, दिन भर गांव वालों का चिक चिक, रात को नाइट का चिक चिक। तो हम लोग पहले लोग थे जिन्होंने एंटरटेनमेंट वाली चीजें वीडियोस बनाना शुरू किया और एक अपनी एक ऑडियंस पहले तैयार की। मैं पूछता था कि कब हम लोग फ्रंट फुट पे आके बड़ी स्टोरीज या लंबी स्टोरीज बनाएंगे या लॉन्ग फॉर्मेट वाली स्टोरीज अपनी कहेंगे। फाइनली वो हुआ जब 2014 में परमानेंट रूममेट्स बनाया और वो लोगों के साथ वर्क किया, दो लोग एक लिव इन में रह रहे हैं, उनकी कहानी थी और हमको बहुत सारे डाउट्स थे उस टाइम पे कि ये चीज, ये हमारी ऑडियंस जो हमने बनाई है पिछले 3 सालों में, जो बैकी वाइल्ड कॉमेडी देखना जिनको पसंद है, वो इस चीज को पसंद करेगी या नहीं। तो वो जब लोगों को पसंद आया परमानेंट रूममेट्स, तो हम लोग थोड़े से श्योर हुए जो तुम कहानी, पहली कहानी बॉम्बे में बनाने आए हो वो बनाओ और उन सब पे काम करो। तो आई थिंक हाँ वही सब हो रहा है। अरे इतना बड़ा जड़ है, कैसे दौड़ाएगा? तुम लोग साइंस वाइज पढ़ते हो कि नहीं?